सुबह से उठ के पहले झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद बर्तन मांजते हैं, धुलते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। जब खाना बना के निमकेंगे, सबको दे देंगे, सब खा लेंगे, उसके बाद जाते हैं गोबर निकालते हैं, उसके बाद गाय को बाहर करते हैं, उसके बाद पानी उनी पिलाते हैं, उसके बाद कोयर और बालते हैं, गोबर पाथना रहता है जाते हैं गोबर और पाथ देते हैं, और उसके बाद कपड़ा धुलना रहता है कपड़ा उपड़ा धुल देते हैं जस्ट। तब उसके बाद शाम को जो करना रहता है करते हैं, मजना धुलना। फिर सुमित जी, आप सुबह उठ के क्या करते हैं? मंजन करी थे, खाना खाई थे, पढ़ा जाई थे, फिर आज छुट्टी है तो फिर आई थे, फिर खाना खाई, फिर जाई थे खेले, फिर आज पढ़ाए पढ़ी थे। सुबह से उठी थे, बहारी थे, बर्तन निकारी थे, उसके बाद गोर बहरी आई थे, गाय को पानी पिया थे, खाना बनाए थे, बर्तन माजी थे, और मतलब गाय का पानी उन्हें पियाई थे, कोयर वाली थे केले लगा लगाए, और खाना नामा बाग दे थे, कपड़ा उपड़ा धोई थे, और बस इतना काम करी थे। तो आपके घर में और कोई करने वाला नहीं है? नहीं। मम्मी आपके? मम्मी है, मम्मी नहीं करती। आपके घर में और कोई है, जैसे आपके भाई हों? आपके भाई हैं छोट के 6 साल। वो क्या करते हैं सुबह से? सुबह से उठते हैं, मंजन करते हैं, खाना खाते हैं, टहलने निकल जाते हैं। सुजी जी, अगर आपके घर में खाना कौन बनाता है? माँ बनाती है और दीदी बना देती है। माँ बर्तन वर्तन कौन धुलता है? दीदी धुलती है। आप क्यों नहीं खाना बनाते? हमारा काम है भी नहीं। आप क्यों नहीं बर्तन धुलते, झाड़ू लगाते? अरे वो तो माँ का काम है और दीदी का काम है। तो आपका मन नहीं करता झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना? जी नहीं।